हेलो दोस्तों, नमस्कार। जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। टोटल 6 टॉपिकों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। टोटल के टोटल 6 टॉपिक जो ईपीएस 95 पेंशनर्स को जान लेना चाहिए। काफी लंबे समय से मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ, जिस वजह से बहुत सारे टॉपिकों को कवर करना बाकी रह गया है। ये इस बात पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि मैं क्यों वीडियो नहीं बना पा रहा था, क्योंकि आप लोग भी बहुत उत्सुक हैं ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा हूँ, वो तो हम बताएंगे। लेकिन मैं जो आपके काम की बात है वो है कि आप लोगों के लिए अपडेट क्या है। उस अपडेट से सबसे पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूँ, इसके बाद मैं जो तो उस टॉपिक को भी कवर करूंगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मैं फटाफट से अपने वीडियो को शुरू करता हूँ बिना देरी किए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करवाने से संबंधित क्या अपडेट सामने निकल के आ रही है उसके बारे में भी बताऊंगा। जो आपके सबसे बड़े शुभ चिंतक उनका क्या स्टेटमेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल 6 टॉपिक के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा में 13/12/2022 को उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दिया है ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए। उससे ईपीएस 95 पेंशनर्स को क्या फायदा हुआ और क्या ईपीएस 95 पेंशनर्स को उनकी पेंशन की राशि मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। न्यूनतम पेंशन 9000 और हायर पेंशन का मुद्दा क्या है और किस प्रकार से यह गरमाया है, ये भी जानेंगे। सबसे पहले तो हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि राज्यसभा में तथा जो तो लोकसभा में उठ रही मांगों को ध्यान में रखते हुए सरकार किस नतीजे पे पहुंचने वाली है और क्या उसका निष्कर्ष निकल रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तीसरा नंबर, रामलीला ग्राउंड पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा जो तो एक बार फिर से आंदोलन शुरू किया गया, उस आंदोलन का क्या परिणाम निकला। सुप्रीम कोर्ट के मामले को ईपीएफओ देखेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ईपीएस 95 पेंशन के मामले को किस प्रकार से ईपीएफओ की तरफ बढ़ा दिया है वो भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। जनता मतलब धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है, उस धरना प्रदर्शन से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कहां तक किस हद तक फायदा होगा, ये भी थोड़ा सा इसका जानने की कोशिश करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उन इन मुद्दों पे सरकार का क्या विचार है, जैसे ईपीएफओ का और वित्त मंत्रालय का, इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि लोकसभा में 13/12/2022 को माननीय श्री इम्तियाज जलील जी, जो जलील साहब हैं, उनके माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने के लिए एक बहुत बड़ी बात कही गई है। और ये एक टाइम नहीं है बल्कि दो दो टाइम है, इसीलिए मैंने इस खबर को जो तो नोट किया कि मैं इस विषय में आप लोगों के बीच में डिस्कस करूंगा, बात करूंगा। तो इसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो अभी से लेके शाम तक नहीं तो कल सुबह तक तो आप लोगों को मिल ही जाएगा। फिलहाल आज का ये वीडियो जरूर आप लोग देख लीजिएगा कि जो जलील साहब थे उन्होंने 13/12/2022 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि करने से संबंधित एक माननीय जो मैडम है उनके बारे में बताया है कि किस प्रकार से 250 रुपए में वो विधवा है, बेसहारा, उनके बच्चे नहीं है, और किस प्रकार से वो 250 रुपए पर अपने घर की गृहस्थी को चलाती हैं, किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन की समस्याओं का जो तो बात वो लोकसभा में करते हुए दिखाई दिए हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर। दूसरे नंबर पे न्यूनतम पेंशन 9000 रुपए और हायर पेंशन की बात जो है तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों तरफ जो तो उठाया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उनके लिए खुशखबरी की बात है कि चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मुद्दे को उठाया जा रहा है। लेकिन इसका परिणाम बहुत सारे आप लोग बोलते हैं कि इसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इसी के निष्कर्ष के बदौलत लोकसभा और राज्यसभा में उठाए गए मुद्दों के बदौलत वित्त मंत्रालय ने अपने बजटीय प्रावधान में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि से संबंधित बजटीय व्यवस्था किया है। सबसे बड़ी खबर है, सबसे महत्वपूर्ण खबर है जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं कि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन के लिए अतिरिक्त बजट की पूर्ण रूप से व्यवस्था कर दी गई है। अब आगे मैं आपको बता दूं यहाँ पे फिर से एक और कि राज्यसभा में उठाया गया जो प्रभावशाली ढंग से माने सुप्रीम कोर्ट ने भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर जायज फैसला दिया, उस फैसले पे भी हम लोग बात करेंगे आगे चलकर। ठीक है, जो तीसरा नंबर, रामलीला ग्राउंड पर एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो चुका है, ये आंदोलन काफी उग्र हो चुका है जिसे जो तो शांत कराने के लिए उनके पुलिस व्यवस्था प्लस शासन प्रशासन को भी आना पड़ा। तो यहाँ से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी ज्यादा जो तो उम्मीद है कि यह रामलीला ग्राउंड में जो दिल्ली में जो इस प्रकार के आंदोलन हो रहे हैं उससे ईपीएस 95 पेंशन धारकों को काफी लाभ होगा।
आगे चौथे नंबर सुप्रीम कोर्ट के मामला है जो था कि ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि करने के लिए, तो न्यूनतम पेंशन को भी जो तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधा ईपीएफओ के पास धकेल दिया है कि ईपीएफओ आप देख लो ईपीएस 95 पेंशन धारकों को किस प्रकार से डील करोगे। लेकिन पूरे बातों को विचार में रख जितनी भी बातें थी ईपीएफओ के गाइडलाइन ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि और साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के तहत ही ईपीएफओ को ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन की राशि देनी पड़ेगी। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट है। एक काफी महत्वपूर्ण यह भी है कि जंतर मंतर पर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में वृद्धि को लेकर एक काफी महत्वपूर्ण जो तो धरना प्रदर्शन शुरू हो चुका है। निष्कर्ष अभी निकला नहीं है, निष्कर्ष निकलेगा तो उससे भी हम आपको अपडेट करा देंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि लोकसभा और राज्यसभा में उठाए गए जो मुद्दे हैं जिस पर सरकार के विचार करें तो सबसे पहले तीन लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। पहले इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। पहले तो कोर्ट के माध्यम से भी ये बात कही जा रही है तथा वित्त मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर बात हो गई है और साथ ही साथ में ईपीएफओ और ईपीएफओ तीन ये तो ईपीएफओ किस प्रकार से ईपीएस 95 पेंशन को देगा पैसा, किस प्रकार से उनको बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलेगी, किस प्रकार से वो पेंशन का वो पैसा जो तो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, कितने प्रतिशत पे किया जाएगा, क्या क्या बातें, पूरी बातों को जो तो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो मेन मेन टॉपिक थे उन टॉपिकों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर एक एक मुद्दे को एक एक टॉपिक को बात करेंगे तो भी 3 से 4 मिनट तक समय लगेगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अपने इस वीडियो को बहुत ही कम समय में जो तो इसको खत्म कर रहा हूँ। और आप लोगों को अगर जानना है इन मुद्दों के ऊपर विस्तार से तो आप अलग से उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, अलग से मैं वीडियो सभी मुद्दों के ऊपर बना के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत जरूर कर दूंगा। और रही बात, हाँ आप लोगों के बीच में मैं वीडियो लेके नहीं आ पा रहा था, उसके पीछे का प्रमुख कारण है कि घर में कुछ फंक्शन था और कुछ एक दूसरा प्रोजेक्ट भी था जिसपे मैं मुझे काम करना था, तो उसी से संबंधित मैं कुछ काम करने लगा था जिस वजह से हमारा और आपका जो तो शनिवार से ही आमना सामना नहीं हो पाया, मुलाकात नहीं हो पाया, आपका प्यारा आशीर्वाद नहीं मिल पाया। और प्यारा आशीर्वाद था कि पिछले वीडियो में आप लोग अपना देते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब ऐसा कोशिश करूंगा कि ना ही हो, लगातार कंटिन्यू जो तो हम और आपके साथ में जो तो लगे रहेंगे। फिलहाल ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैं बाहर जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ आने जाने के टाइम पे, तो मैं उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाता हूँ, बहुत कम शूट करता हूँ, तो अच्छा यही रहता है कि जब मैं यहाँ आ जाऊँ तो फिर मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो चलिए ठीक है, अभी फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही था और आगे की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि और क्या क्या बातें हुई हैं। मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है, अगर आप लोग ब्लॉगिंग चैनल में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, आप उसे भी देख लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।